कई लोग मिलकर एक साथ रहते हैं और उन सब में बहुत ही प्यार है। एकता का मतलब ये होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच में हिरनों का झुंड रहता था। बहुत सारे जानवर रहते थे, पानी पीने के लिए झीलों के पास आए रहते थे। उन्हीं जानवरों के झुंड में सबसे सुंदर सा झुंड था हिरनों का। जो हिरन एक साथ रहते थे और झील पर एक साथ पानी पीने आया करते थे। उन हिरनों में उनका एक राजा था जो काले रंग का था और बहुत ही खूबसूरत था। वह उन झुंड में हिरनों का राजा था। ठीक है, सारे हिरन जो थे उसको बहुत अच्छे से प्रेम करते थे और हिरन राजा जो था वो भी अपने कर्तव्य का पालन बहुत अच्छी तरह से करता था। एक दिन क्या हुआ कि वहां के राजा जो थे, राजकुमार थे, वो शिकार खेलने जंगल में आए। जंगल में खेलने आए, शिकार की पशु और पक्षियों को खोजने लगे। बहुत धूप थी और कोई जानवर उन्हें हाथ नहीं लगा। बहुत दोपहर हो गई थी, उन लोगों को बहुत प्यास लग रही थी। तो एक झुकी झील के किनारे में उड़ गए और पानी पीने के बाद एक पेड़ के नीचे यानी वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी समय अचानक उनको आहट हुआ, तब देखा उन्होंने हिरनों का झुंड आया। जब हिरनों का झुंड देखा तो हिरनों को भी पता चल गया, राजा को आहट हो गई कि शिकारी यहाँ आने में वो झाड़ी के पीछे छुप गए। उस दिन राजकुमार को निराश होकर वापस लौट जाना पड़ा। उसके बाद से क्या हुआ कि सुबह में वो राजकुमार बार बार उस काले हिरन के बारे में ये सोच रहा था, इतना खूबसूरत इतना अद्भुत हिरन मैंने कभी नहीं देखा है, वो मुझे जिंदा पकड़ना है अपने दिमाग में। फिर उन्होंने अपने राज्य के सबसे होशियार शिकारी को